नमस्कार, आज हम लोग पांचवें चक्र के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं थ्रोट चक्र, यहाँ पे रहता है और उसे हिंदी में कहा जाता है विशुद्धि चक्र। और इस चक्र के बारे में आज हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे कि इसका बायोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं और इससे रिलेटेड बिहेवियर क्या होते हैं, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, ये तीन चीज़ों के ऊपर हम आज समझेंगे। तो यदि हम चक्र में देखे जाएँ तो ये थ्रोट चक्र यहाँ पर रहता है। तो इसका बायोलॉजिकल सिम्टम क्या है? यदि थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाए तो आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? थायराइड की समस्या, कोल्ड, कफ, फीवर, डेंटल इश्यूज, दांत की समस्या, कान का इन्फेक्शन, ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती है। सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन होती है जब आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है। अब इंसान का बिहेवियर कैसा होता है जिसका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो? तो ये थ्रोट चक्र आपका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर पूरा निर्भर होता है, किससे का कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा होता है। यदि अच्छा हो तो इंसान काफ़ी पोलाइट होगा, काफ़ी हम्बल होगा, काफ़ी पीसफुली बात करेगा, हर चीज़ को सोच समझ के नाप तोल कर बात करेगा। पर यदि ये ब्लॉक हो तो इसका पूरी तरह से विरोधार्थी होता है, अपोजिट। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति वही होता है जिसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है। थ्रोट चक्र जिसका ब्लॉक होता है वो इंसान सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। झूठ बोलने की ताकत तो उसमें इतनी प्रबल होती है कि वो आपकी आंखों में देखकर भी आपको झूठ बोल सकता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि उस व्यक्ति का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। ये व्यक्ति बात करते समय काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करेगा, काफ़ी वायलेंट टोन में बात करेगा, हमेशा चिल्लाकर बात करेगा अपनी बात को समझाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि बस यही एक पर्याय है जिससे व्यक्ति को हम वश में कर सकते हैं या अपना हम काम निकाल सकते हैं। और ऐसा हमें काफ़ी देखने को मिलता है अपने घरों में, अपने समाज में, अपने ऑफिस में, कि ऐसे व्यक्ति का जिनका स्वभाव में काफ़ी वायलेंस होता है, तो ऐसे व्यक्ति से तकलीफ इतनी हो जाती है कि कुछ दिनों के बाद इससे लोगों को दूरियां भी पड़नी शुरू हो जाती है। ये व्यक्ति काफ़ी, इसके अंदर स्मोकिंग हैबिट काफ़ी रहती है, ओवर टॉकेटिव रहता है, जो चीज़ जहाँ पे बोलनी चाहिए वो चीज़ न बोलकर कोई दूसरी चीज़ बात करना, कोई अलग सब्जेक्ट पे बात करना इसका स्वभाव होता है। अत्यधिक बात करना, अनलिमिटेड बात करना, जिसका कोई भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी ज़्यादा संबंध नहीं होता है, एक अच्छा लिसनर नहीं होता है, ये आपकी बातों को सुनने की क्षमता इसमें नहीं होती है। ही लैक्स पेशेंस, पेशेंस की कमी होती है। आप उसे जो कुछ कहिए उसे वो न कहते हुए वो अपना क्या कहना चाहता है उसके ऊपर उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। और इन सब कारणों के वजह से जो सबसे बड़ी जो समस्या जो आती है हमारे जीवन में, और वो आता है ब्रेकअप, डायवोर्स, सेपरेशन, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र ही ब्लॉक्ड है। जब थ्रोट चक्र ब्लॉक रहता है तो ये सिम्टम काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ब्रेकअप या डायवोर्स या सेपरेशन होता है, पर ये बात सही नहीं है। यदि व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है फिर भी यदि उसके अंदर सहनशीलता है तो भी संबंध चल जाते हैं, पर यदि व्यक्ति के अंदर वाक् चातुर्य नहीं है, उसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक है और वह अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, गलत शब्द परिभाषा यूज़ करता है, गलत शब्द यूज़ करता है, तो अपने आप सेपरेशन हो जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? विशुद्धि चक्र ब्लॉक होने की शुरुआत होती है हमारे बचपन से। बचपन में हमें परवरिश कैसे मिलती है? बचपन में कि हमें झूठ बोलने की परवरिश दी जाती है। घर में कोई है, हम लोग हैं, फिर भी बच्चों से कह दो कि हम लोग माँ बाप माता पिता नहीं है घर में। झूठ का पहला शुरुआत वहाँ से होती है, घर में शुरुआत होती है। कि जो व्यक्ति चिल्ला कर बात करता है, डांट कर बात करता है, उसकी लोग सुनते हैं, उससे लोग डर के रहते हैं, उससे लोग भयभीत रहते हैं। तो इसका पाठ भी हम बचपन में ही पढ़ते हैं, बड़े होने के बाद उसी चीज़ का अनुसरण करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हम अपने विशुद्धि चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। और व्यक्ति कब तक ये सब सुन कर लेगा? जब तक उसकी सहनशीलता है सामने वाले की, तब तक वो सुन कर लेता है। बाद में फिर वो दोनों एकदम अलग दो राहों पे चले जाते हैं। कंपनी में देखा जाता है, बॉस को कोई काम निकालना होता है तो वो एक ऑथोरेटिव टोन में बात करता है, पर सामने वाला व्यक्ति आपको तभी तक सहन करेगा जब तक उसके पास कोई दूसरा पर्याय नहीं होता। जब उसके पास दूसरा पर्याय हो जाता है तब उस समय वो आपसे दूर हो जाता है। तो इसकी रेमेडी क्या है, इसके ऊपर हम तो आज बात करेंगे, पर एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिए कि शब्द और बोलने की कला कुदरत ने केवल मनुष्य को दी है। यदि पशु और मनुष्य में अंतर देखा जाए कि सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो वो है हम बोल सकते हैं, हम अपना भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
हम समझ सकते हैं। यदि हमने इस कम्युनिकेशन स्किल को ही अच्छे से यूज़ नहीं किया तो हम में और पशु में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है मनुष्य को कि वो बोल सकता है, और इस चीज़ को अगर अच्छी तरह से अगर यूज़ करना है तो थायराइड चक्र, आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होना काफ़ी आवश्यक होता है। जब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाए तो आप कौन कौन से सिम्टम्स कीजिए, कौन कौन से उपाय कीजिए जिससे ठीक हो सकता है। सबसे पहला उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ सारे चक्रास के लिए, कि कुंडलिनी योगा और मेडिटेशन, इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जितना ज़्यादा ज़्यादा योगा करेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, उससे अपना आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दूसरा है शुद्ध शाकाहार, जितना आपका भोजन शुद्ध रहेगा, वेजिटेरियन रहेगा, थ्रोट चक्र बैलेंस होने में उसमें समय नहीं लगता है। तीसरा, इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ जो किसी भी चक्र में नहीं बताया गया था, वो ये है कि आप एक दिन का व्रत और एक दिन का साइलेंस जरूर रखिए। इससे आपके अंदर सहनशीलता आती है, आपके अंदर का वायलेंस कम हो जाता है, आपके बातचीत करने की सभ्यता शुरू हो जाती है। जब तक हमारे अंदर पोलाइटनेस, हम्बलनेस नहीं रहता है, तब तक हम स्वयं को नहीं कह सकते हम एक अच्छे स्पीकर हैं। तो सप्ताह में एक दिन, संपूर्ण दिन, पूरा दिन वो आप व्रत रखें, केवल फल पे रहें, केवल आप दूध पे रह सकते हैं, पानी पे रह सकते हैं, और उसी दिन आप मौन व्रत रखिए, 12 घंटे का कम से कम मौन व्रत। जब आप मौन व्रत रहते हैं, जब आप साइलेंस में रहते हैं, आपके अंदर क्षमाशीलता बढ़ती है, कंपैशन बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आपके अंदर का पेशेंस बढ़ता है, और जब ये बढ़ जाता है तो अपने आप आपका थ्रोट चक्र बैलेंस हो जाता है। हम जब वायलेंटली बात करते हैं या झूठ बोलते हैं या चिल्ला कर बात करते हैं, तो एक ही उसका मुख्य कारण है कि हमारे अंदर पेशेंस की कमी है, सहनशीलता की कमी है। इतनी ज़्यादा कमी है कि हम उससे सहन भी नहीं कर पाते। कई बार हम स्वयं को जस्टिफाई करते हैं, मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरी बातें आपको ख़राब लग सकती है, मेरी बातें कड़वी आपको लग सकती है, संभाल के लेना। तो सामने वाला व्यक्ति आपको समझ नहीं लगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या उसके ऊपर आप ताना मार रहे हो। टॉन्ट मारना ये भी एक प्रकार का है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। कई लोग कहते हैं वो व्यक्ति दिल का तो बहुत अच्छा है, सिर्फ वो बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता है। जी नहीं, ये गलत है। ये किसी व्यक्ति का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति के गलतियों को, कमियों को छुपाया जा रहा है। जब व्यक्ति का हृदय साफ रहता है, पवित्र रहता है, उसके अंदर प्रेम भरा रहता है, वही चीज़ उसके शरीर के बाहर आती है। जो आपके मन के अंदर है वही जिभ्या से बाहर निकलता है। और कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति सच कब बोलता है, केवल दो अवस्था में। सबसे पहला वो जब वो नशे में होता है तब वो सच बोलता है, दूसरा तब जब वो क्रोधित होता है। क्रोध आने के बाद वो व्यक्ति वो सारी चीज़ें बोलता है जो कई दिनों से, कई सालों से उसने उस चीज़ को सप्रेस किया है अपने अंदर। इसे लोगों को थायराइड की समस्या होती है। जब आप अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हो कई समय तक, कई लंबे काल तक, आपको थायराइड की समस्या शुरू हो जाती है। तब आप कितनी भी दवा लेते रहिए या आजीवन चलते रहेगा दवा का सिस्टम, पर वो ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं किया, या तो पूरी तरह से दबा दिया या तो उसे गलत ढंग से उसे पेश किया। तो पहला इसमें होता है कुंडलिनी योगा, ध्यान का प्रतिदिन करें, प्रैक्टिस करें। नंबर दूसरा, शुद्ध शाकाहार का उपयोग होना चाहिए। तीसरा, एक दिन का संपूर्ण रूप से व्रत, जिसमें फलाहार, कई लोग व्रत में चिप्स खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, तो ये ऐसे व्रत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे व्रत का कोई भी अर्थ नहीं है। आप अपने शरीर को और भी ख़राब कर रहे हो उस दिन। इससे अच्छा फिर भोजन करें, साबूदाना खाना, चिप्स खाना, तले हुए चीज़ खाना उपवास के दिन, यानी कुछ नहीं। उस दिन हम लोग अपने शरीर के अंदर विष डालते हैं, अत्यधिक भोजन खाना। तो व्रत का अर्थ ये होता है कि आप कितना देर तक केवल फलों पर रह सकते हैं, फल के जूस पर रह सकते हैं, ताज़ा जूस पर रह सकते हैं। चौथा, मौन का पालन करना। सप्ताह में एक दिन यदि आप मौन का पालन करते हैं
तो थ्रोट चक्र को बैलेंस होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। और यह चीज़ विपश्यना में भी सिखाई जाती है कि मौन का पालन हर व्यक्ति को सप्ताह में एक बार करना ही चाहिए। जब इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तभी हम अपने सारे जीवन के उन मुश्किलों से बच सकते हैं जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं जाने अनजाने में। तो यदि अपने जीवन में प्रेम लाना है, अपने मित्रता को आपको दायरा बढ़ाना है, आपका सम्मान बढ़ाना है, तो आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। और जब भी कोई भी बात आपको कहनी हो तो उसे ज़्यादा दिन सप्रेस न करें, उसे उसी क्षण उसी व्यक्ति को उसके सभी सामने पूरे पोलाइटनेस में पूरे सम्मान के साथ उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दें। कभी भी थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक होगा नहीं। कोई भी चीज़ जब आप किसी और व्यक्ति के बारे में कहीं और से सुनते हैं और उसका मंथन करते हैं तो आप उसको सप्रेस कर रहे हो, उस विचार को सप्रेस कर रहे हो, तो उसको मंथन करने से, उसको सप्रेस करने से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है। यदि आपको किसी व्यक्ति ने किसी आपके परिवार के व्यक्ति के बारे में कुछ गलत कहा है, किसी आपके निकटतम व्यक्ति के बारे में गलत कहा है, तीनों व्यक्ति को सामने लेकर आइए, समक्ष लेकर आइए, वार्तालाप शुरू कीजिए। कभी भी आपका डायवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप नहीं होगा। हम जो परसीव करते हैं, कई बार जो आँखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, कई बार उसमें गलत चीज़ें होती हैं, तो उसमें सच्चाई नहीं होती, उसमें हकीकत नहीं होती है, और हम उसे हकीकत मान लेते हैं। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ किसी के भी व्यक्ति के प्रति आए, राग, द्वेष, प्रेम, ईर्ष्या, जो भी आए, क्यों आए पहले उसका आकलन करें। और यदि आपको उस व्यक्ति के बारे में संदेह है, तकलीफ है, तो उस व्यक्ति के समक्ष जाकर नम्रता के साथ आप इस बात को स्पष्ट कर दें। वो विवाद तो वहीं पर मिट जाएगा, आगे बढ़ेगा भी नहीं। पर यदि आप उसको सप्रेस करोगे, उसी चीज़ को आप रोक के रखोगे, तो वो जहर पनपता जाएगा, इसका विष इतना बढ़ जाता है कि दूरियां काफ़ी बढ़ जाती है। इसका नतीजा किसे, परिणाम किसे भुगना पड़ता है, जब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, न केवल आप सफ़र करते, पूरा परिवार सफ़र करता है। जब ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है, सबसे ज़्यादा कौन दुखी होता है? माता पिता होते हैं, संतान होती है। एक व्यक्ति का चक्र अगर ब्लॉक हो जाए तो पूरा परिवार खराब हो जाता है। एक व्यक्ति यदि अपशब्द बोलना शुरू करे, पूरा परिवार का सन्नाटा, पूरा परिवार में सन्नाटा आ जाता है। आपके जीविया पे सरस्वती होनी चाहिए। जब तक हम अपने अंदर के बदलाव को नहीं लाएंगे, हम सामने वाले से अपेक्षा नहीं कर सकते। अपना ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी न बनाए जिसकी आदत आने वाले पीढ़ी पर पड़े, ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी न बनाए जिससे आने वाला व्यक्ति भी का चक्र भी ब्लॉक हो जाए जाने अनजाने में। दुनिया में यदि जीतना है तो प्रेम और शांति से ही जीता जाता है, भगवान बुद्ध ने कहा था। कभी भी कोई भी चीज़ वायलेंस से जीती नहीं गई है, और वायलेंस से जो चीज़ जीती भी गई थी वो काफ़ी क्षणिक थी, काफ़ी टेम्परेटरी था, नष्ट हो गया। जो चीज़ अभी तक चल रहा है उसके पीछे कारण है कि प्रेम और शांति का उपदेश लेकर हम लोग चल रहे हैं, और वही चीज़ हमारे शरीर में है। हम जिस देश से हैं उस देश में प्रेम और शांति ही सिखाई गई थी। तो प्रेम और शांति का अर्थ क्या था कि आपके स्वभाव में, आपके बातचीत में, आपके दृष्टि में कहीं भी किसी भी रूप में वायलेंस नहीं झलकना चाहिए। शब्द को सोच समझ के बोलना चाहिए। धनुष से निकला हुआ बाण जैसे वापस नहीं आता, वैसे जीविया से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आता। थ्रोट चक्र का महत्व क्या है, यदि किसी से पूछना है तो उस व्यक्ति से पूछिए जो व्यक्ति बोल नहीं पाता। जिस व्यक्ति की आवाज चली गई हो उस व्यक्ति से जरा पूछिए कि थ्रोट चक्र का महत्व क्या होता है, वो आपको अच्छी तरह से समझाएगा।
लोगों को जाके आगे जाके जब थ्रोट कैंसर हो जाता है तब उन्हें समझ में आता है कि मुझे मैंने क्या क्या अपशब्द बोले, मैंने मुझे क्या क्या तकलीफ हुई थी। जब उन्हें थ्रोट का इन्फेक्शन होता है तब उन्हें समझ में आता है कि मुझे क्या क्या तकलीफ हुई थी। तो जो भी बायोलॉजिकल, जो भी मेडिकल, जो भी बीमारियाँ डिजीज हमें दिखते हैं ये केवल बाहरी रूप है, शुरुआत हमारे भावनाएं, हमारे फीलिंग्स हैं, हमारे विचार हैं, जिसे कभी भी मेडिकल साइंस नहीं देख पाएगा। मेडिकल साइंस के एक्सरे में, मशीन में कभी आपको दिखेगा नहीं कि घटना क्यों घटी, इंसान को स्मोकिंग की हैबिट क्यों पड़ी। लोग जब देखते हैं किसी का डाइवोर्स हो, सेपरेशन हो, ब्रेकअप हो, तो उसकी पत्रिका देखते हैं। उसकी पत्रिका मत देखिए, उसका उससे कहिए कि उसका थ्रोट चक्र बैलेंस है कि नहीं, वो पहले चेक कीजिए। उसके बातचीत करने की कला कुशलता कैसे है वो देखिए, उसके अंदर पेशेंस कितना है वो देखिए। जब आप वो देखोगे तो पत्रिका को कोई महत्व नहीं रह जाता है। यदि हम ये सिखाते हैं बचपन से बच्चों को कि मधुरता में कैसे बात करना चाहिए, सम्मानपूर्वक कैसे बात करना चाहिए, तो किसी भी बिना पत्रिका देखे भी आप उसका विवाह करा दीजिए, उसको विवाह के जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपकी वाणी ही आपको पास ले आती है और आपकी वाणी ही आपको दूर ले जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने थ्रोट चक्र के ऊपर आज से और अभी से संयम पूर्वक काम करना शुरू करेंगे। ये न केवल हमारा भविष्य उज्जवल बनाएगा, हमारे घर में रहने वाले हर व्यक्ति का के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे और हमारे घर में प्रेम और शांति का शुरुआत होगी। घर में किसी भी यंत्र की लगाने की जरूरत नहीं है, घर में कोई भी पूजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि घर में हर व्यक्ति की वाणी संयम में है। तो यदि हर व्यक्ति अच्छे से बात करता है तो उसे कोई भी वास्तु देखने की जरूरत नहीं है, कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, कोई माला पहनने की जरूरत नहीं है, किसी भी हीलिंग की जरूरत नहीं है। मूल स्वभाव, मूल रूप में बदलाव आना चाहिए और ये बदलाव तभी आ सकता है जब हम समझ सकते हैं कि इस घर में अशांति का कारण हमारा जीविया है। और एक व्यक्ति जब का उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, एक व्यक्ति जब वो गलत बोलना शुरू करता है तो उसके साथ घर में सभी लोग संक्रमित हो जाते हैं, सभी लोग वायरस की तरह संक्रमित हो जाते हैं। तुरंत हमें समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का अनाहत चक्र, इस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र ब्लॉक हुआ है, इसलिए व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है। कम से कम हम अपना न ब्लॉक करके, ब्लॉक न करें उसको प्रति उत्तर देकर। तो अपने बातों को संयम में रखें, अपने घर में प्रेम और शांति को अगर बनाए रखना है तो विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र का ब्लॉकेज न होने दें। इन सब नियमों को अच्छी तरह से पालन करें और कल हम लोग जानेंगे थर्ड आई चक्र के बारे में, किसके ब्लॉकेज के बाद क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या रेमेडी होती है, इसका इंसान का स्वभाव कैसे होता है, वो इंसान गलत निर्णय कैसे ले लेता है, उसके लाइफ में क्यों तकलीफें इतनी ज़्यादा आती हैं कि जिससे वो बाद में पछताता है कि ऐसा निर्णय मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो हम लोग इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।